गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक इन आवर मैथ्स क्लासेस। में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास हम 10 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, जिसमें इसने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है विच इज 34 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इसके कॉम्प्लीमेंट से 34 डिग्री ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ हम सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान देंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, मींस टू से दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसमें हमें ये तो पता नहीं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, बस ये कहा है कि एक एंगल जो है वो उसके कॉम्प्लीमेंट से 34 ज्यादा है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे लेट एंगल एक्स, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका, कि जब दो एंगल्स का टोटल 90 है, अगर उसमें एक को एक्स मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, या 90 में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दोगे तो सेकंड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो वो दोनों एंगल आ गए हमारे पास जो दोनों कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 34 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है जो अपनी कॉम्प्लीमेंट से 34 डिग्री ज्यादा है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, पहले तो हम इन दोनों को इक्वल में देखेंगे, 90 माइनस एक्स। इसने कहा है कि ये इससे 34 ज्यादा है, तो ये हमें इन दोनों को, मैंने बीच में इक्वल का साइन लिया है, तो दिस मीन टू से मुझे दोनों एंगल इक्वल करने होंगे। दोनों एंगल इक्वल करने होंगे तो कैसे इक्वल करूं, ये इससे 34 ज्यादा है, दिस मीन टू से अगर इसमें से मैं 34 माइनस कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास 7 रुपीज है और मेरे फ्रेंड के पास 5 रुपीज है, उसके पास मेरे से 2 रुपीज ज्यादा है। अब हम दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम दोनों के पास इक्वल बैलेंस हो जाए, या तो उससे 2 रुपीज लेने पड़ेंगे आपको, या फिर मुझे 2 रुपीज देने होंगे, तब क्योंकि अगर उससे 2 रुपीज लोगे तो उसके भी 5 मेरे भी 5 सेम है, अगर मुझे 2 रुपीज दोगे तो मेरे भी 7 उसके भी 7। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करें, 34 इसके ज्यादा है तो हमने इसमें से क्या किया, 34 को माइनस कर दिया। अब हो गए ये दोनों इक्वल हो गए हमारे पास। अब x को एक तरफ ले जाओ और नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाइए। माइनस एक्स है, जब इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा 90, माइनस 34 है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 34, साइड चेंज साइन चेंज, देन x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 34 देन x इज इक्वल टू 124 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आएगा 62 डिग्री। मींस वो एंगल क्या है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 34 ज्यादा है, वो है 62 डिग्री। अब देखिए इसे वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो आंसर हमने किया है वो क्या वो सही है। इसका कॉम्प्लीमेंट एक एंगल 62 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल ये है फर्स्ट एंगल 62 डिग्री, सेकेंड एंगल 90 माइनस 62 तो कितना आएगा 28 डिग्री। इसने कहा कि ये एंगल इससे 34 ज्यादा है, यानी कि या तो इसमें से 34 माइनस करूं या फिर इसमें 34 प्लस करूं इक्वल करने के लिए। तो 62 में से अगर मैंने 34 माइनस किया, जो इससे ये ज्यादा है, इस वाले से ये 34 ज्यादा है, तो मैंने इक्वल करने के लिए क्या किया, इसमें से 34 को माइनस करके देखा, तो इसमें से करोगे इसे माइनस तो क्या आएगा 28 डिग्री, यही आया हमारे पास। दिस मीन टू से हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है और उसको हमने वेरीफाई भी करके
देख लिया। देखे ये वाली इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास एक तरीके से। x की वैल्यू आई थी 62, इसमें से 34 माइनस किया और इज इक्वल टू 90 माइनस x, 90 माइनस x मींस 28 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक इसकी वेरिफिकेशन थी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसने 34 मोर देन कहा तो हमने इसमें से 34 माइनस कर दिया, लेस देन कहता तो हम प्लस कर देते। ओके बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड आउट करना है विच इज 80 डिग्री लेस देन 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि 18 डिग्री कम है इसके कॉम्प्लीमेंट के 5 टाइम से। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट, वही हमेशा की तरह लेट एंगल, क्या ले लिया हमने एंगल x। ठीक है, इसने कॉम्प्लीमेंट बोला तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, नाइनटी माइनस एक्स, यही हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन को जरा केयरफुली रीड करना। फाइंड द एंगल विच इज 18 डिग्री लेस देन, एंगल है एक्स, कॉम्प्लीमेंट एंगल है 90 माइनस एक्स, विच इज 18 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स का 5 टाइम्स मींस मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एंगल इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स से 18 डिग्री कम हो जाता है, 18 डिग्री लेस हो जाता है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 18 डिग्री प्लस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स जो है वो ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के 5 टाइम्स से 18 कम है, तो हमने क्या किया इसको इक्वल करने के लिए इसमें 18 प्लस कर दिया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 को 90 से किया तो 450 माइनस, अब 5 को x से करेंगे तो 5x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के हर एक टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हम x को एक तरफ ले लेंगे, माइनस x है यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 18 है यहाँ के क्या हो गया हमारे पास माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 6। तो इसमें हमने देखा 5x प्लस x 6x हो गया और 450 में से 18 माइनस किया 432, देन x इज इक्वल टू 432 डिवाइड बाय 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 72 डिग्री आ गया, यानी कि वो जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा हमारे पास 72 डिग्री, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के 5 टाइम से 18 लेस होगा। और ये हमने वो एंगल फाइंड आउट कर लिया, इसका वेरिफिकेशन आप खुद करके देखेंगे, आपको तभी पता लगेगा कि क्या हमारी ये वैल्यू सही है या गलत है। तो हर एक क्वेश्चन का वेरिफिकेशन आपको करके देखना है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, हमें एंगल फाइंड आउट करना है अगेन हूज सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन होगा लगभग उसी तरीके से कि उस एंगल को फाइंड आउट करना है जिसका जो सप्लीमेंट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्स का 3 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेट एंगल एक्स, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स 180, सम ऑफ टू एंगल इज 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही बोला है उसने, तो दोनों ही एंगल हम एक बार निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, हूज सप्लीमेंट इज, हूज सप्लीमेंट मीन्स 180 माइनस एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स, इसका ये जो है इससे 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 गुना है ये इसका, तो इसको इक्वल हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, या फिर इसको हम 3 से
मल्टीप्लाई करें तभी तो इक्वल हो पाएगा हमारा। तो इसने कहा कि जो सप्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट का 3 times है। सप्लीमेंट इज 3 times ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसे हमने लिखा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27 मीन्स 270 माइनस 3 x, ये आ गया हमारे पास। अगेन हम x को यहाँ ले आएंगे और 180 को इधर लेके जाएंगे, तो माइनस एक्स माइनस है यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 x हो जाएगा, और ये 270 है, 180 यहाँ कोई साइन नहीं मीन्स पॉजिटिव है, साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो 3 x माइनस एक्स मीन्स 2 x, पॉजिटिव 2 x क्योंकि प्लस का 3 बड़ा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 17 माइनस 8 9 एंड ये आ गया हमारे पास 90 degree। ठीक है बेटा, 2 x इज इक्वल टू 90 degree, देन x इज इक्वल टू 90/2 मीन्स 45 degree, सो द एंगल इज 45 degree। ओके, अब यहां आप इसको वेरीफाई आप खुद करेंगे और हमारे पास ये एंगल फाइंड आउट हो चुका है, एंगल इज इक्वल टू 45 degree। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे उसकी अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बता सकते हैं। और दोबारा से एक बार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।